आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। ये बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक दाल से ही बनाने वाली हूँ। इसमें कोई दो टाइप के दाल नहीं मिक्स करेंगे। इसे मैंने सिर्फ एक दाल यानी कि उड़द के दाल से बनाया है। वाओ, लुक सो नाइस। और इसे जो बहुत सारी चटनियाँ लोग डाल के खाते हैं वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इसे टैमरिंड चटनी के साथ खाएंगे, थोड़े मसाले डालकर, बहुत ही यम्मी लगेगा। और ये इमली की चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं चटनी की रेसिपी। और ये देखिए, ये कितना अच्छा, आसानी से ये सॉफ्ट है, कितनी आसानी से इस तरह से, वाओ सो यम्मी। और इस पे थोड़े से मसाले ही डालकर हम इसे, पहले हम उड़द दाल को लेंगे और इस तरह से मैंने उसे 4-5 घंटे भिगो के उसके पानी निकाल के इस तरह से थोड़ी सी पानी की सहायता से ग्राइंड किया है। देखिए, ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए, पर ये थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे लाइक दिस, और इस तरह से खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी ये सॉफ्ट भी होगा और फ्लफी रहेगा। और अब हम करीब 2 बड़े चम्मच दही डालकर, करीब उसमें 1/2 लीटर से ज़्यादा पानी डालकर एक तैयार करेंगे इसे, क्योंकि इसमें जब हम बड़े फ्राई करेंगे उसके बाद इस पानी में ही हमें बड़े को रखना है। और हाँ, इस पानी में हम थोड़े से करीब 1/4 चम्मच थोड़ा नमक भी डाल देंगे, क्योंकि वड़े में हमने जब हमने पीसा है तब उसमें हमें नमक नहीं डालना है। नमक इस समय इस दही वाले पानी में डालना है। ये देखिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हमें चेक करना है, तो ये एक तरीका है ऑयल चेक करने का, हिट हुआ है कि नहीं। अब हम इस तरह से पानी, थोड़ा सा डिंकिंग वाटर जो है हमने बाउल में रख लिया है, और उसमें इस तरह से हम गोली बना के छोटी छोटी इस तरह से हम फ्राई करेंगे। ये खास इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे, इमीडिएट हमें ये बड़े बनाने हैं, उसे हम रख देंगे तो वो क्या होगा, वो जो वो बनाना थोड़ा ऐसे फ्लफी नहीं बनेंगे। तो हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट करके पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में, और फिर इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फुल फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे हीट हो रहा है तो थोड़ा सा स्लो धीमी कर सकते हैं फ्लेम। इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे 1/4। ये गोल्डन गोल्डन जैसा हो जाए, सुनहरा कलर का, तब हम इसे निकालेंगे। तो वड़ा है ये, तो दही में इस तरह से इस्तेमाल होगा, तो इसे पूरा रेड होने का बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब हम इसे बारी बारी से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हम वापस दूसरा सेट वापस से वैसे ही हम उसे मिक्स फ्राई करने के लिए डाल देंगे। कि जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना इनमें, और ये इसे आप हमें फ्राई करना है। और ये जो हमने 2 टेबल स्पून दही में पानी मिक्स करके रखा था उसमें ये बड़े हम डाल कर रखेंगे। तो ये और ये, और इसमें हम करीब तो थोड़ा नमक भी डाल के रखना है ताकि बड़े के अंदर नमक भी चला जाए। इस तरह से हम इसे रखेंगे जब तक सर्व करने के टाइम ही हम इसमें से निकालेंगे, और इसे हम फ्रिज में करीब 2 दिन तक रख सकते हैं। और ये देखिए, अब इन वड़ों को ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, वाओ। अब हम दही की मतलब दही वड़े की प्लेटिंग के लिए दही में मैंने करीब 1/4 स्पून चीनी डालकर इस तरह से मिक्स करना है, और करीब थोड़ी सी नमक भी डाल देनी है, और इस तरह से हम प्लेटिंग करेंगे। मतलब को दही वड़े बनाने के लिए हमें 3 मसाले की इम्पॉर्टेंट है, एक तो भुना हुआ जीरा का पाउडर, और दूसरा चिली पाउडर, और तीसरा काला नमक पाउडर।
और ऊपर से थोड़ी सी इमली की चटनी, सिर्फ इस मसाले और मिश्रण के साथ अगर आप दही वड़ा खाएंगे ना, इट्स सो यम्मी। किसी और ग्रीन चटनी या किसी और चटनी की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए, हमने जीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला, और ये जीरा पाउडर भी डाला, और थोड़ा सा कलर नमक का पाउडर डाला, और लास्ट में हम इमली की चटनी को अपने टेस्ट के हिसाब से उस पर डालेंगे। और आप इमली की चटनी नहीं भी डालना चाहते हैं तो फिर ऐसे भी खा सकते हैं। वाह, सुख नुकसिया में। और ये चटनी की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।